Hello, let's read this question. The question says account for the following: Cr2 positive is a strong reducing agent. The key concept for this question is reducing agent. Now, what are the reducing agents which undergo? ऑक्सीडेशन इट्स सेल्फ एंड रड्यूस अदर स्पीशीज सो हमारे पास जो कंपाउंड खुद ऑक्सीडेशन के अंडर जाता है और दूसरी स्पीसीज को रेड्यूस करता है उसे हम रेड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं अब हमारे पास क्या गिवन है स्टेटमेंट सीआर टू पॉजिटिव इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट फाइव सो इफ वी टॉक अबाउट द कॉन्फिग्रेशन ऑफ सी आर टू पॉजिटिव सीआर टू पॉजिटिव हैज कॉन्फिग्रेशन थ्री डी फोर सो आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन मीन्स अगर ये ऑक्सीडेशन के अंडर जाता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा अभी हमने पढ़ा कि जो ऑक्सीडेशन के अंडर इट सेल्फ जाएगा ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना सो so, ये ऑक्सीडेशन के अंडर अगर जाता है तो सी आर थ्री पॉजिटिव बना लेगा तो इसकी कॉन्फिग्रेशन क्या रह जाएगी थ्री डी थ्री क्योंकि अब इसने एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर दिया अगर हम बात करें थ्री डी थ्री की तो जो कॉन्फिग्रेशन है वो हाफ फील्ड टी टू जी थ्री ऑर्बिटल की है वेरी स्टेबल कॉन्फिग्रेशन सो आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स मोर स्टेबल हो रहा है तो ये लूज करना प्रेफर करेगा तो ये इट सेल्फ ऑक्सीडेशन के अंडर जाएगा और दूसरी स्पीसी को क्या करेगा रिड्यूस करेगा अब यहाँ पे हमने बोला है टी टू जी थ्री इसका क्या मतलब होता है जो हमारी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है, मतलब जो हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है उसमें हमारे पास जो डी ऑर्बिटल्स है वो स्प्लिट हो जाते हैं किसमें टी टू जी में और जी में जो हमारे 5d डी ऑर्बिटल्स हैं, उनकी एनर्जी सेम नहीं होती जिसकी वजह से जो लोअर एनर्जी वाले होते हैं वो t2g बन जाते हैं और हायर वाले eg बन जाते हैं अब अगर सो हमारे पास सीआर थ्री पॉजिटिव की क्या कॉन्फिग्रेशन रही थी डी थ्री तो ये सबसे पहले किसमें लोअर में फिल होगा तो लोअर में देखा जाए तो ये हाफ फिल्ड है तो जो हमें पता है जो हाफ फील्ड होते हैं और फुली फील्ड होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं सो so, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये हाफ फील्ड बन जाता है जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और ये किसकी तरह एक्ट करता है एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट तो अगर हम इसे सम करके लिखें तो हम क्या लिखेंगे आफ्टर आफ्टर ऑक्सीडेशन It gets converted to CR three positive, which has half filled T two G orbital, which is very stable. So that's why, therefore, chromium 2 positive is a strong reducing. So this is our final answer. Hope you understand best of luck.